हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय विक्रिया पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम के क्रूड में यूरेनियम और प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रखा जाता है। यह नाभिकीय बम एक ऐसा पदार्थ में अंतर व्यवस्थित किया जाता है जो ड्यूटेरियम और लिथियम होते हैं। जब इन नाभिकीय बमों पर अत्यधिक विस्फोटित किया जाता है तो इस पदार्थ से जो उत्पन्न ताप होता है उसी ताप पर दो हल्के नाभिकों को संलयित किया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन को संलयित किया जाता है। संलयन अभिक्रिया होती है वहाँ पर और उसके फलस्वरूप एक विशालकाय एनर्जी निकलती है जो हाइड्रोजन बम का नाम लिया जाता है उसे।